टीजर को मिले ओवरवेलम रिस्पांस के बाद संजू के मच अवेटेड ट्रेलर को बुधवार के दिन मुंबई में लॉन्च किया गया। इस मौके पर अनुष्का शर्मा को छोड़कर फिल्म की पूरी स्टार कास्ट मौजूद थी, जिसमें रणबीर कपूर, सोनम कपूर, विक्की कौशल, मनीषा कोइराला, दिया मिर्जा शामिल थे। संजय दत्त की उतार चढ़ाव भरी जिंदगी को दर्शाने वाले रणबीर कपूर ने इस मौके पर बताया कि किस तरह वो बचपन से ही संजय दत्त को आइडलाइज करते रहे हैं। मुझे, मैं छोटा था, यू नो, मेरे कबर्ड के वॉल पे संजू सर का पोस्टर था, एंड नाउ टुडे इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू आई एम इन हिज शूज, यू नो, लुकिंग एट यू, ट्राइंग टू रिप्रेजेंट हिम, एंड आई थिंक इन माय लाइफ आई रियली वांट संजू सर टू लाइक मी। आई नो आई कैन नेवर बी द मैन ही इज, आई कैन नेवर बी द पर्सन ही इज, but in every which way that I go about in my career as a person, even through this film, I really want Sanju sir to like me, because I feel that he's a man that I respect a lot. I really look up to him. ट्रेलर में देखा जा सकता है कि संजय दत्त बने रणबीर 308 गर्लफ्रेंड की बात कर रहे हैं। ऐसे में रणबीर पर पूछा गया कि कभी उन पर बायोपिक बने तो वो अपनी कितनी गर्लफ्रेंड्स के बारे में डिस्क्लोज करना चाहेंगे। इस सवाल पर रणबीर ने हंसते हुए ये जवाब दिया, नहीं नहीं, मैं तो एक्चुअली अलाउ करूंगा ही नहीं। आई डोंट थिंक मैं संजू सर के जैसे, आई एम नॉट अ करेजियस मैन टू गिव माय लाइफ आउट सो ओपनली, बट मेरी काउंट 10 से भी कम है, तो मेरे पे बायोपिक नहीं बन सकती। हाल ही में रणबीर कपूर के पापा ऋषि कपूर ने संजू देखने के बाद रिएक्ट करते हुए कहा था कि उन्हें पर्दे पर रणबीर कपूर नहीं बल्कि संजय दत्त नजर आया। पापा की इस तारीफ पर रणबीर ने कहा, पहले तो बिसाइड्स बी माय फादर, ही इज आल्सो एन एक्टर आई रियली एडमायर एंड रिस्पेक्ट। तो जब राजू सर ने ये रिएक्शन रिकॉर्ड करके मुझे भेजा था, मैं उस वक्त कहीं और शूट कर रहा था, पापा कभी बोलते नहीं है मेरे चेहरे पे कि यू नो आपने अच्छा काम किया है, नॉट दैट आई एक्सपेक्टेड एंड ऑल, बट यू नो व्हेन यू हियर सच वर्ड्स कमिंग फ्रॉम हिम, नॉट ओनली बिकॉज ही इज माय फादर, बिकॉज ही इज एन एक्टर आई लव, यू नो इट वाज एन इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस फॉर मी, यू नो इट रियली मूव्ड मी, इट मेड मी वेरी इमोशनल, बिकॉज एवरी फादर वॉन्ट्स द सन टू डू वेल, बट माई फादर इज वेरी केयरफुल कि वो ऐसे फ्री में कॉम्प्लीमेंट देंगे नहीं, यू नो वो हमें हमेशा कहते कि कसर रही, यू नो वर्क हार्डर। सो दिस वॉज अ वंडरफुल गिफ्ट दैट राजू सर एंड विदु सर हैड सेंट मी हिज वीडियो। फिल्म में परेश रावल संजय दत्त के पिता सुनील दत्त के रोल में हैं। उन्होंने सुनील दत्त का किरदार निभाने की एक खास वजह बताई, जबरदस्त स्क्रिप्ट थी एंड मुझे राजू हिरानी के साथ काम करने का मौका मिल रहा था, मुझे माय फेवरेट एक्टर रणबीर कपूर साहब के साथ काम करने का मौका मिल रहा था, तो मेरे लिए विन विन सिचुएशन थी। तो विनोद भाई विल अग्री टू इट, मैंने पैसे की भी बात नहीं की, एंड आई एम इन दिस फिल्म, और मुझे, मैं समझता हूं कि मैं बड़ा ही लकी आदमी हूं कि मुझे ऐसी फिल्म मिली है, ऐसा किरदार करने को मिला उस बंदे का, कि जिस बंदे को मैं बिल्कुल तहे दिल से इज्जत करता हूं उनकी, और ऐसा इंसान, मैं ये शायद कहूंगा कि थोड़ी ज्यादती हो जाएगी, लेकिन मैंने मदर टेरेसा को तो देखा नहीं है, लेकिन मैंने दत्त साहब को देखा है, ऐसे इंसान थे। मनीषा कोइराला पर्दे पर संजय दत्त की माँ नरगिस के रोल में नजर आएंगी। उन्होंने भी सुनील दत्त से जुड़ा एक किस्सा सुनाया। When Raju sir offered me this role, I was really thrilled, and I felt it's such a great honor to play her. So I took on that, and similar to what Pareji's thing was, when my movie Bombay had released, Dutt Saab had actually sent a letter to me saying that you remind me of Nargis Dutt-ji. Wow, I didn't know this. So, I really take that as a huge, huge, huge compliment. And that's it. Vicky Kaushal, America में रहने वाले संजय दत्त के best friend के role में दिखेंगे. Trailer launch के मौके पर Vicky ने अपना और अपने stuntman पापा श्याम कौशल का संजय दत्त से connection बताया.
मुझे अभी भी याद है क्योंकि हमारे घर पे अभी भी एक तस्वीर है जहां पापा बिफोर बिकमिंग एन एक्शन डायरेक्टर एज अ स्टंटमैन संजू सर के बॉडी डबल थे इन वन ऑफ हिज फिल्म्स. सो अभी भी मेरे पास एक तस्वीर है जहां उन्होंने सेम कॉस्ट्यूम पहना हुआ है एंड बिटवीन शॉट्स मट्टी में है और सब कुछ. वो तस्वीर मुझे अभी भी याद है. सो फॉर नाउ आफ्टर सो मेनी ईयर्स मुझे उनके लाइफ का एक अहम हिस्सा प्ले करने का जो मौका मिला है इट फील्स ट्रूली स्पेशल. आई फील ब्लेस्ड कि मुझे ये मौका मिला. सो थैंक यू राजू सर, थैंक यू विनोद सर, मुझे ये मौका. श्याम जी इज हियर विकीस. हाल ही में आमिर खान ने कहा था कि उन्हें संजू के लिए संजय दत्त के पापा सुनील दत्त का किरदार निभाने का ऑफर मिला था मगर वो संजय दत्त का रोल निभाना चाहते थे. इस पर पूछे गए सवाल पर राजकुमार हिरानी ने इस पूरे वाक्य के बारे में बताया. नो आमिर इज अ फ्रेंड एंड व्हेनेवर आई राइट अ स्क्रिप्ट आई जस्ट गो टू हिम एंड नरेट हिम टू गेट अ रिएक्शन फ्रॉम हिम. सो आई हैड नरेटेड दिस स्क्रिप्ट टू हिम आल्सो and not with the intention of asking him to play any role and he reacts very interestingly to the script and he liked it. Then just out of greed I said Amir will you play the Datsab's role, father's role. So he took it actually very seriously and I gave it a thought. Then he said okay let's meet after a while. So I met him next week again and then he showed me Dangal and he said look I'm already playing older role. You see, look my transformation in that. And if my next film after Dangal is again older role, then people will stop giving me young man's roles. So, which was a valid argument. And finally, we have Parishji playing that up. All in all, Sanju ka ye trailer launch film aur Sanjay Dutt se judi kai yaadon ko saamne laane ka zariya bana hai. रवि जैन के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट. ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे.